हमारे देश की जितने भी पिक्चर बनाने वाले लोग अधिकाधिक हैं, कितनी सारी मूवियां बनती हैं हर साल, लेकिन उन पिक्चरों से क्या होता है, सिर्फ देश में अश्लीलता फैलती है। बोलो हाँ या ना। कौन सा संस्कार दे रहे हैं पिक्चर बनाने वाले, बताओ। अश्लील बातें करते हैं वो, उनकी बातें, पिक्चर के डायलॉग अधिकांश अश्लील होते हैं कि नहीं, बोलो हाँ या ना। उनके बातें अश्लील, उनका पहनावा अश्लील, पिक्चर पूरी अश्लील। बेटी बाप के साथ पिक्चर नहीं देख सकती, ऐसी कितनी पिक्चरें हैं। वो अश्लीलता फैला रहे हैं तो उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं, और ये दास आपको संस्कारों की बात बता रहा है तो आप अपने बच्चों को क्या कथा भी नहीं सुनवा सकते। सुन लो बेटा, इससे तुम्हारा भला है। हमारे देश, आज मैं आपसे पूछ लूं कि सालों से आप पिक्चर देख रहे हैं, बताओ आपने पिक्चरों को देखकर क्या सीखा। कथा सुनकर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, पर पिक्चर देखकर क्या सीखा है। पिक्चरों में खुलेआम शराब पीते हैं उन लोग, शराब पिलाते हैं। बताओ शराब पीना और शराब पिलाना क्या ये सही संस्कार हैं? बोलो मैया, सही हैं? तो पिक्चर बनाने वालों ने शराब खूब पिलाई कि नहीं, बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। इसलिए कहो अपने बच्चों से, पिक्चरें देखना छोड़ें और कथाएं सुनना शुरू करें। पढ़ें लिखें, योग्य बनो, नाम कमाओ, पैसा कमाओ। आप क्यों वो पिक्चरें देखो जो शराब का प्रचार करती हैं? वो पिक्चर बनाकर गाना कैसे गाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो क्या शराब पीने से गम चला जाता है? तो ये लोग झूठ कह रहे हैं कि नहीं, ये खुला झूठ है कि नहीं। फिर वो झूठ कह रहे हैं और आप उन्हें सुपर डुपर स्टार मान रहे हैं। वो कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांट दो। चलो मैं सहमत हूं गरीबों में, पूछो उन लोगों से कि तुम पिक्चरें बनाकर हजारों करोड़ कमाते हो, तुमने कितना गरीबों में बांटा है? साहब यदि तुम्हें गरीबों की चिंता थी तो तुम बांट देते, खुलवा देते अन्य क्षेत्र के गरीब लोग फ्री में भोजन करें, बनवा देते दो चार, एक ही हॉस्पिटल बनवा देते जहां फ्री में सबका इलाज हो। बताओ इस सुपर डुपर स्टार वालों की ओर से एक भी हॉस्पिटल बनाया गया नहीं, एक भी अन्य क्षेत्र चलाया गया नहीं। कहते हैं शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में दूध बांट दो। बात सही है, पर ये बताओ तुम्हें तो ज्ञान है ना कि गरीबों में बांटना चाहिए, तो तुमने कितना बांटा है? फिर तुम अपनी पिक्चरों की टिकट 200-250 की क्यों, जब गरीबों की चिंता है तो भाई वो सारा पैसा जो पिक्चर से मिला है बांट दो गरीबों को, बना दो हॉस्पिटल गरीबों के लिए, सबका फ्री में इलाज हो। उपदेश करना सरल है साहब। कहते हैं शंकर जी को दूध ना चढ़ाओ, वो उन्हें शंकर जी का दूध अच्छा नहीं लगता चढ़ाना। बताओ मुझे, आपसे एक सवाल पूछ लूं मैं, बताओ शंकर जी को दूध चढ़ाने से देश को ज्यादा नुकसान है या शराब पीने से देश को ज्यादा नुकसान है? कितनी बहन बेटियों के घर उजड़ गए, कितनी बहन बेटियों के मांग के सिंदूर उजड़ गए, मंगल सूत्र बिक गए, बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। बाप शराबी है तो बच्चे पढ़ ना पाए, शराब से कितने घर बिगड़ गए। एक बार भी आज तक ऐसी पिक्चर नहीं बनी जिसमें यह कहा गया हो कि शराब ना पियो, शंकर जी को दूध चढ़ाना। अरे सावन के महीने में दूध चढ़ाया जाता है शंकर जी को,
और दूध सावन के महीने में क्यों चढ़ाया जाता है ज्यादा, उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है। शंकर जी के मंदिर में जो दूध चढ़ाया जाता है ना साहब, 5 रुपए का दूध चढ़ाते हैं आप लोग, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का, बताओ 10-5 रुपए का दूध चढ़ता है। और दूध क्यों चढ़ता है उसका भी साइंटिफिक रीजन है। अषाढ़ के महीने में पानी गिरता है, मानसून कब आता है, अषाढ़ के महीने में। तो जब पहला पानी गिरता है ना, तो आपने सुना होगा कि पहला पानी जब गिरता है वह पानी दूषित होता है, प्रदूषित होता है। आप जानते हैं इस बात को, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो ऊपर की तरफ धुआं, ऊपर की तरफ हवा जब कणों को ले जाती है तो आकाशमंडल प्रदूषित हो जाता है। फिर जब पानी गिरता है तो वो सारा कचरा जो आकाशमंडल में होता है वो पानी के साथ नीचे आता है। तो पहला पानी हानिकारक होता है, इसलिए दादी कहती है बारिश के पहले पानी में नहाना मत, बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वह पहला पानी दूषित होता है। उसी पहले पानी से घास पैदा होती है, घास को गैया खाती है। तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ये पहले पानी की पहली घास है, तो गाय का दूध जो है हो सकता है गंदे पानी से दूषित तो हो गया हो, इसलिए पहला दूध गाय का, बारिश का पहला, पहली बारिश का पहली घास का पहला जो दूध है उसे फेंक तो सकते नहीं, क्योंकि दूध फेंकना ठीक नहीं। तो शंकर जी पे चढ़ाने की परंपरा बना दी, और वो महीना होता है सावन का। भाई अषाढ़ में पानी गिरता है आधे अषाढ़ से, तो घास को जन्म लेते पैदा होती सावन लग जाता है, और सावन आ गया तो लोगों को लगा चलो अब ये दूध फेंक तो सकते नहीं, शंकर जी पे चढ़ा दो तो दूध का भी सदुपयोग हो गया और पूजा दूध चढ़ाने का पुण्य मिल गया, इसलिए दूध चढ़ाने की परंपरा। और कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कहता कि चढ़ाना ही पड़ेगा, वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है। शंकर जी के दूध चढ़ाने में किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझता, पर शराब पीने में चूल्हा बुझ जाता है। तो शराब पीने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं, और अपने सनातन धर्म में किस प्रकार का वो, जिस प्रकार सनातन धर्म को नष्ट करने की कोशिश पिक्चर बनाने वालों ने की है ना साहब, केवल उन्होंने समाज को पिक्चरें बना बना करके भड़काने का काम किया, इसलिए ऐसी पिक्चरें मत देखो जिनसे आपके बच्चों का भविष्य बिगड़े, संस्कार बिगड़े, बल्कि ऐसी कथा सुनो जिन कथाओं को सुनने से आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मुझे विश्वास है कि कथाओं से बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। जितने पिक्चर बनाने वाले हैं आधे से ज्यादा शराबी हैं। अभी सुशांत केस में आपने देखा होगा कोई चरस है पी रहा है, कोई अफीम, कोई गांजा, शराब तो उनके लिए आम चीज है, मांस तो उनके लिए आम चीज है, हाँ या ना। तो ये सारे लोग स्वयं भ्रष्ट हैं, जो स्वयं शराब पीते, चरस अफीम गांजा क्या ना खाते पीते, हाँ या ना। वो जो स्वयं गलत रास्ते पर हैं, वो आपकी संतानों को कौन सा सही रास्ता बताएंगे ये तो बताओ। आपने उन्हें आइकॉन बना रखा है अपना है? इसलिए अपनी सोच बदलो, गहराई से सोचो, आपके पास भी बुद्धि है, सही गलत का निर्णय करना सीखो कि आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए क्या बेहतर है, संस्कारों की जरूरत है या मूवी पिक्चरों की जरूरत है। अब क्या सही है क्या गलत है वो आप निर्णय लीजिएगा। उल्टे सीधे गाना बनते हैं, उल्टे सीधे वो बातें करते हैं, इसलिए बचा सको तो बचाओ इन। वो देखो गुटखा का प्रचार वो करें, मोबाइल पर
ऐप डाउनलोड करने के लिए आजकल ना एक जुआ खेलने का ऐप मोबाइल में वो हीरो हीरोइन प्रचार कर रहे हैं कि ये डाउनलोड करो, इसमें रिस्क नहीं है, ये गेम खेलो। अब वो आपको जुआ मोबाइल पर खिलाना चाह रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। बताओ क्या ये काम ये दास अनिरुद्ध कर सकता है? हम करोड़ों लेकर भी, हजारों करोड़ क्या सारी संपत्ति दे दे कोई, तो भी हम अपने देश के साथ, देश के संस्कारों के साथ समझौता नहीं कर सकते। साहब प्राण चले जाएं पर हमारे देश में संस्कार होंगे, हमारी पहचान ही संस्कारों से है। हमारे देश को किससे जाना गया? अश्लीलता हमारे देश की पहचान नहीं है। हमारे देश की पहचान तन को दिखाना नहीं, तन को ढकना हमारे देश की पहचान है। तन को प्रदर्शित करना हमारे देश की पहचान नहीं है। हमारे देश की संस्कृति संस्कार सारी दुनिया से अलग है। यदि वो संस्कृति संस्कार ही चले गए तब फिर हमारे पास बचा क्या? इसलिए संस्कार जरूरी है। इसलिए समझो और अपने बच्चों को सही सही रास्ता सुझाओ, समझाओ, सिखाओ।